आइए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप एक, चित्रानुसार पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। घोल के रंग को ध्यान से देखें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml पानी में मिला दें। फिर इस घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml पानी में मिला दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते जाएं। क्या घोल अब भी रंगीन है? तनु घोल के रंग को देखने के लिए परख नली के पीछे सफेद कागज रखकर देखिए एवं तुलना करने के लिए एक परख नली में सादा पानी ले लीजिए। इस क्रियाकलाप में आपने अवलोकन किया है कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल पानी की बहुत अधिक मात्रा को रंगने के लिए पर्याप्त हैं। सोचिए पोटेशियम परमैंगनेट के 1 क्रिस्टल में कितने अधिक कण होंगे और वे कितने सूक्ष्म होंगे। वास्तव में ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि उस पदार्थ का इससे छोटा कण हो ही नहीं सकता। पदार्थों के ये सूक्ष्म कण 2 प्रकार के होते हैं, अणु और परमाणु। परमाणु एक आधारभूत बुनियादी कण है। परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। सदियों से परमाणु को समझने के प्रयास किए जा रहे हैं। परमाणु की वर्तमान अवधारणा तक हम कैसे पहुंचे हैं, आइए इसे जानें।